नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिसका यूज अगर आप अपने फ़ोन में करते हैं तो आप जो है अपने फ़ोन से सबसे अच्छा जो है होर्डिंग फ़ोटो बना पाइएगा। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप भी अपने फ़ोन से होर्डिंग फ़ोटो बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो फ़ोटो हो बड़ा बड़ा बैनर के साथ जो है, जैसे रोड कार्ट में बैनर लटकता है उस तरह का फोटो अगर आप बनाना चाहते हैं, होर्डिंग फोटो बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फोटो भी बैनर की तरह बड़ा बड़ा साइज में बने और काफ़ी अच्छा लगे देखने में, हर कोई जो है देख कर चौंक जाए, तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है फ्रेंड, आप ये काम आसानी से जो है कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा फ्रेंड, जानने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को जो है आखिर तक देखना पड़ेगा। फ्रेंड, इस बार की वीडियो पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की तरफ से ना जाता कम से कम 1000 जो है लाइक जो है आ जाए। तो मेरे इस लाइक के रिक्वेस्ट को जो है आपको पूरा करना है। उसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को जो है यहाँ से लाइक कर देना है और लाइक के बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिस पर टच करके आपको क्या करना है, इसे अपने दोस्तों के पास जो है आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर देना होगा। इससे होगा क्या कि आपका जो दोस्त लोग है वो भी ये वीडियो देखेगा और वो भी जो है इस ट्रिक का यूज करके अपने होर्डिंग फोटो को जो है बना सकेगा। वो सब करने के बाद नीचे जाना है और ऐड ए पब्लिक कमेंट पर टच करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है फोटो वीडियो लिख कर, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि आप जो भी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं उनका चेहरा आता है नीचे और इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों में से कितने ऐसे व्यक्ति जो है वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करते हैं और मेरे पूरे वीडियो पे जो है आके कमेंट करते हैं। कमेंट छोड़ने के बाद जब फ्रेंड ऊपर आइएगा तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, क्या करना है इस पर टच करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। आगे घंटी आएगा, घंटी को भी दबा देना है। इससे होगा क्या कि चैनल पे कोई भी नया ट्रिक आएगा तो उसका फर्स्ट मैसेज आपके फ़ोन में जाएगा और आपको जो है सबसे पहले पता चलेगा और आप जो सबसे पहले उस वीडियो को जो है देख पाइएगा। अब चलिए फ्रेंड, हम बताते हैं कि आप जो होर्डिंग फोटो कैसे बनाइएगा। तो होर्डिंग फोटो बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम प्ले स्टोर पर चलते हैं। ये रहा प्ले स्टोर, प्ले स्टोर ओपन करना होगा और यहाँ पर होर्डिंग फोटो फ्रेम लिखकर जो है सर्च करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप होर्डिंग फोटो फ्रेम लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने होर्डिंग फोटो फ्रेम का बहुत सारा जो है एप्लीकेशन जो है आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सर्च करते हैं, फिर से नहीं आया मेरे सामने। होर्डिंग फोटो ये हम लिखकर सर्च कर देते हैं और देखिए फ्रेंड, हमारे सामने होर्डिंग फोटो फ्रेम का बहुत सारा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है आ गया है। लेकिन हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं वो शायद यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो के टाइटल पे जो है टच करना होगा। जब वीडियो के टाइटल पे टच कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा और इसमें एक लिंक होगा, लिंक पर टच करके आपको क्या करना है, ऐप को जो है अपने फ़ोन में डाल लेना है, ठीक है। आप डालने के बाद फ्रेंड जब आप उसको फर्स्ट बार ओपन कीजिएगा तो वो जो एप्लीकेशन है आपके सामने कुछ इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ओपन होगा और ओपन होने के बाद इस ऐप का जो है अगला इंटरफेस आपके सामने आएगा। एग्री पे टिक कर देना है और आई एग्री पे टच कर देना है। उसके बाद आपके सामने एरो का ऑप्शन आएगा, एरो पे टच कर देना है। जैसे ही एरो पे टच कीजिएगा प्लीज वेट आएगा और थोड़ा देर के बाद ऐड भी आएगा। उसके बाद कैमरा और गैलरी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, हम गैलरी सेलेक्ट करने वाले हैं। मेरे गैलरी में ऑलरेडी कुछ फ़ोटो है तो हम गैलरी से ही एक फ़ोटो जो है ऐड करते हैं और होर्डिंग फोटो जो है बनाते हैं। तो ये रहा फोटो, एक फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो जो है हम चूज कर लेते हैं। होर्डिंग फोटो फ्रेम, सिटी होर्डिंग फ्रेम, बिल्डिंग फ्रेम, हम यहाँ पे बिल्डिंग होर्डिंग फ्रेम चूज कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो है चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग चूज किए हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग जैसा जो है यहाँ पे फोटो फ्रेम जो है हमारे सामने आया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फोटो को जो है हम ऐड करते हैं इस फ्रेम के अंदर। ये देखिए तो देख सकते हैं, है मज़ेदार काफ़ी। और इस तरह से आपको फोटो का जो है साइज छोटा कर देना है, तो छोटा साइज हो गया देख सकते हैं। और इस तरह से फ्रेम के अंदर जो है ऐड कर देना है, तो देख सकते हैं हमारा फोटो जो है फ्रेम के अंदर ऐड हो गया। इस पर अगर आप टच करते हैं तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, यहाँ से शेयर का ऑप्शन भी आ जाता है। और ये जो है देखते हैं क्या ऑप्शन है, इस पर अगर हम टच करते हैं तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। ये देखिए ऐड आ गया, ऐड को काट देते हैं। तो वो ऑप्शन पर टच करके हम फिर से जो है फ्रेम ही बदल पाएंगे और कोई बात है नहीं। चलिए दूसरा फ्रेम देखते हैं, होर्डिंग फोटो फ्रेम ही देख लेते हैं।
तो हार्डिंग में ये वाला सब है, देख सकते हैं। ये भी कोई खास नहीं है, स्टैंडर्ड वाला में देखते ही देखिए। तो ये खास है, अगर आप स्टैंडर्ड फोटो फ्रेम लगाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस तरह से आपका जो फ्रेम आएगा, और इस फ्रेम के अंदर जो है आपको क्या करना है, इस फोटो को जो है ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है, देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। फिर इस पे टच करना है, यहाँ पे टच करके आप जो इसको सेव कर सकते हैं, सेविंग इमेज हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने फोटो को जो है होल्डिंग फोटो फ्रेम के अंदर जो है सजा सकते हैं, लगा सकते हैं। और भी सारा यहाँ पे मिल जाता है, लेटेस्ट भी मिल जाता है, इस लेटेस्ट वाला में भी जो है आप अपना फोटो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी हम ऐड करके आपको दिखाते हैं, लेटेस्ट है तो देख सकते हैं, लेटेस्ट वाला में भी हम ऐड कर दिए। और इस तरह से फिर बाद में जो है हम सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, देख सकते हैं, देखने में काफ़ी जो है मज़ा आ रहा है। इस तरह से अगर आप लगा कर अपने दोस्तों को जो है भेज देते हैं, तो आपका जो दोस्त है देख कर जो है चौंक जाएगा, आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा और आपसे ज़रूर पूछने लगेगा कि भाई ये कैसे कर रहे हो, ज़रा हमें भी बताइए। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को जो है बता देना है कि किस तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपका दोस्त जो है समझ जाएगा कि हाँ ये कैसे होता है। हाँ, ये वाला है तो ये वाला में सजेगा। ये देखिए, आपको फोटो जो है दोनों उंगली के सहारे ही स्लाइड करना होगा, नहीं तो ये घसकेगा नहीं। ये देखिए आ गया इस फ्रेम के अंदर, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने फोटो के साथ जो है होल्डिंग फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, सेव जो है कर लेना है, सेव इमेज हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फोटो सेव हो जाएगा, और इस तरह से आप जो अपना फोटो जो है बना पाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, या आप हमें इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप जो इसमें लिखे हमें बता सकते हैं। तो देख सकते हैं ये वॉलपेपर भी लग गया है, वहाँ पे एक ऑप्शन था राइट वाला, उस पर टच करके वॉलपेपर लगता है, तो वॉलपेपर भी आप जो है लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।